हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन सब्जेक्ट की बात करेंगे। प्लांट पैथोलॉजी का जो कोर्स चल रहा है अपना, पिछली बार जैसे पढ़ा था डिजीज़ों फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप का जो था, उसी प्रकार अब की बार अपने एक नया कोर्स लगता है इसके अंदर, पी पैथ 311। इसके अंदर क्या आता है देखो अपना डिजीज़ का, इसके अंदर देखो इसमें पैथोलॉजी का जो चैप्टर, एक चैप्टर की तरह ही मान लो इसको, पूरा कोर्स है बिल्कुल सिंपल सा, शॉर्ट, बहुत शॉर्ट सिलेबस का है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो जो इसका टाइटल है वो है इसमें प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी एंड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट IDM, बस ये इतना सा टॉपिक है इसका। अब अपने देखो इसके अंदर नई चीज़ पढ़ने वाली क्या है, पहले में क्या पढ़ा अपन ने, IDM तो तुम लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो, पढ़ भी सकते हो। क्यों? क्योंकि जब तुम लोगों ने डिजीज़ मैनेजमेंट लिखा है पिछले दो कोर्स में अपन ने पढ़ा है डिजीज़ मैनेजमेंट, तो अब इंटीग्रेटेड करना, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन करना है कौन कौन से मेथड का, कल्चरल, बायोलॉजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, जितने भी मेथड जो होते हैं उन सबको अपने इंटीग्रेटेड लिखना है। अब इसके कुछ थोड़े बहुत इसके कुछ फंडे होते हैं कि कैसे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट करते कैसे हैं, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी होती है ताकि अपने उसको एक इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं डिजीज़ का। इसलिए इसको क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो होता है इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं तो इफेक्टिव डिजीज़ कंट्रोल होता है। अब इसके बाद अपने एक पॉइंट आता है इसके अंदर, प्लांट डिजीज़ एपिडेमोलॉजी, अपने इसके बारे में पढ़ेंगे। जब अपने IDM क्यों पढ़ते हैं, देखो जब अपने एपिडेमोलॉजी की बात करते हैं तो डिजीज़ तो अपन ने पढ़ लिया, ठीक है। अब एपिडेमोलॉजी ये एक ऐसी टर्म होती है, इसके अंदर मतलब विश्व के अंदर कुछ एक बीमारियाँ ऐसी थी जो कि इतना नुकसान कर गई थी, उससे उसके बाद क्या था कि पैथोलॉजी के अंदर एक नई अवेयरनेस आ गई, मतलब लोग एक्टिव हो गए, साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कुछ नई चीज़ें खोजने शुरू कर दी। उसमें क्या हुआ कि ये सब चीज़ें हो कैसे रही है इस चीज़ों को पता लगाने के लिए, क्यों, क्योंकि प्लांट के अंदर कभी अब पहले, इससे पहले कोई ऐसा अनुमान नहीं था कि जो एक कोई बीमारी होती है उसका लेवल इस स्तर तक या फिर इसका स्तर जो होता है यहाँ तक हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाना, हाई यील्ड लॉस मतलब इसका इंक्रीज हो जाना डिजीज़ का, और कंटिन्यूस उसी क्षेत्र के अंदर आते रहना। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ कारण होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है इसमें IDM का भी पढ़ना ज़रूरी होता है और एपिडेमोलॉजी पढ़ना, ये एक सब्जेक्ट के तौर पे इसमें जुड़ गया। क्यों? क्योंकि पहले कुछ घटनाएँ ऐसी हुई थी, कुछ बीमारियाँ पैथोलॉजी के अंदर या फिर प्लांट के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां पैदा हुई थी, जिस वजह से क्या हुआ ये एक सब्जेक्ट के रूप में बन गया, यानी कि अपने आप में एक पूर्ण सब्जेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर डिजीज जिसे नई, कुछ नया मिला पैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। पैथोजन के बारे में पढ़ा था, पैथोजन के बाद में डिजीज पढ़ा, लेकिन डिजीज का कुछ लेवल, उसका कुछ स्तर, इस स्तर तक ये फैल जाती है, ऐसे कुछ घटनाएँ हुई, उस घटनाओं के आधार पे ये अपने एक टर्म जुड़ गया था इसमें, ठीक है, उसको एपिडेमोलॉजी। और एपिडेमोलॉजी जो शब्द है वो एक टर्म किस टर्म से बना है, एपिडेमिक से बना है, एपिडेमिक्स, एपिडेमिक या एपिडेमिक्स, ठीक है। अब देखो ये तो था अपना टाइटल, अब अपन बात करते हैं एपिडेमिक्स, ये पिछली बार मैंने बताया भी था इसके बारे में थोड़ा। देखो एपिडेमिक्स होता क्या है, क्षेत्र के आधार पर अगर अपन बीमारियों का वर्गीकरण करें, क्षेत्र के आधार पर अगर अपन बीमारियों को बांटें कि डिजीज़ को साइट्स के, साइट के आधार पर अपन देखें, तो उसमें क्या होगा, देखो दो तीन टर्म होती है, एक तो होती है एंडेमिक, दूसरी होती है एपिडेमिक या फिर इसको एपिफाइटोटिक भी बोलते हैं, एक होती है पेंडेमिक और एक नाम आता है स्पोरेडिक। ये चार प्रकार की डिजीज़ का एक क्लासिफिकेशन होता है छोटा सा, क्षेत्र विशेष के आधार पे। अब इसके अंदर देखो टर्म का मतलब क्या होता है, देखो एंडेमिक, एंडेमिक का क्या मतलब होता है, क्यों इसको एंडेमिक बोलते हैं, एंडेमिक वह बीमारियां होती है, एंडेमिक बीमारियां वो होगी जो कि कोई क्षेत्र विशेष के अंदर,
एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कन्फाइंड रहती है, पर्टिकुलर एरिया या डिस्ट्रिक्ट। जैसे अपने एक इंडिया में ही अपन बात करें तो एक जैसे डिस्ट्रिक्ट को ले लेते हैं अपन, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट तक या फिर उस लेवल तक यानी कि उस एरिया के अंदर वो लिमिटेड रहती है ऐसी बीमारी, और रेगुलर रहती है उस क्षेत्र के अंदर। रेगुलर मतलब सीजन आफ्टर सीजन वो डिजीज अपीयर होती है और उस क्षेत्र की एक समस्या रहती है, परमानेंट एक समस्या रहती है। तो रेगुलर जो अपीयर होने वाली डिजीज होती है लेकिन एक क्षेत्र विशेष के अंदर लिमिटेड रहती है, तो उस प्रकार की बीमारी को अपन क्या बोल देते हैं, एंडेमिक डिजीज। ठीक है, एंडेमिक डिजीज के अलावा अपन बात करते हैं एपिडेमिक। अब देखो एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक की बात करते हैं तो एपिडेमिक डिजीज ऐसी होती है कि कोई क्षेत्र विशेष के अंदर बहुत ज़्यादा, कोई क्षेत्र विशेष या फिर कोई फील्ड या फिर कोई क्षेत्र की जो प्लांट की पॉपुलेशन होती है उस प्लांट पॉपुलेशन के अंदर बहुत ही नुकसानदायक, व्यापक और आक्रामक रूप लेती हुई कोई बीमारी फैल जाती है, उस बीमारी को अपन बोल देते हैं एपिडेमिक। सीवियर और डिस्ट्रक्टिव फॉर्म की जो डिजीज होती है इरेगुलर होती है, रेगुलर भी नहीं होती, सडन जो अपीयर होने वाली कोई भी अचानक जो कई बीमारी ऐसी होती है जो अचानक से आक्रामक और डिस्ट्रक्टिव यानी कि बहुत बड़े वाइड स्प्रेड होती है। मतलब वाइड स्प्रेड मतलब बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर अचानक से फैलने वाली बीमारी और बहुत ज़्यादा नुकसान के साथ में फैलने वाली बीमारी जो होती है उसको बोल देते हैं अपन एपिडेमिक। अब एपिडेमिक के कुछ एग्जांपल्स भी है वो भी बताएंगे अपन, उसमें पढ़ेंगे कि एपिडेमिक्स। अब एपिडेमिक्स का मीनिंग समझ में आना चाहिए कि कई बार बीमारियाँ क्या होती है बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाती है, जैसे अपन बोल देते हैं कि महामारी फैल जाती है, तो वो भी क्या होता है एक लेवल होता है। महामारी की जब अपन बात करते हैं तो पेंडेमिक की बात आ गई। पेंडेमिक डिजीज़ वो होती है जो वर्ल्ड वाइड फैल जाती है, मतलब पूरे विश्व के अंदर जो बीमारी फैल जाती है। जैसे अपने कोरोना की बात करते हैं तो वो एक पेंडेमिक टाइप का हो गया, तो ये पेंडेमिक कैटेगरी का हो गया। स्पोरेडिक डिजीज़ होती है इरेगुलर होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल अमाउंट के अंदर आती है, मतलब बहुत कम लेवल तक रहती है, सीमित रहती है, स्पोरेडिक होती है, मतलब इरेगुलर इंटरवेल से फैलती है। इरेगुलर इंटरवेल मतलब इस सीज़न दिख गई अगले सीज़न नहीं दिखेगी, फिर अगले सीज़न दिख गई फिर उसके बाद नहीं दिखेगी, तो इसमें अपन क्या इसको क्या बोल देते हैं अपन स्पोरेडिक डिजीज। ठीक है, ये इसके टाइप होते हैं। एपिडेमिक का मतलब ये हुआ कि बहुत जो नुकसान वाली जो बीमारी होगी उसको अपन एपिडेमिक बोल देंगे और बड़े क्षेत्र पर फैल जाती है। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, देखो अब एपिडेमिक समझ में आया, एपिडेमिक के बाद अपन बात करते हैं देखो एपिडेमोलॉजी की। ठीक है, प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी। अब इसके अंदर देखो एपिडेमिक समझ में आया, एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक अपना क्लियर हुआ पॉइंट। अब एपिडेमिक के अंदर भी क्या होता है, एक टर्म होती है कि इसको कैटेगराइज करते हैं उसको फैलने के आधार पर कि कितना फैलता है। एपिडेमिक का दिमाग में मीनिंग ये रखना है कि नुकसान करने वाली जो चीज़ होगी वो एपिडेमिक होगी। अब नुकसान करने वाली होती है वो उसमें भी देखो एक तो स्लो होगी या तो धीरे धीरे नुकसान करेगी और एक फास्ट बहुत तेज। ठीक है, इसको अपन एक्सप्लोजिव और टार्डी बोल देते हैं। टार्डी मतलब स्लो एपिडेमिक का मतलब स्लो एपिडेमिक ऐसी होती है जो कि टाइम लेती है। एपिडेमिक तो होती है, नुकसान तो करेगी लेकिन वो टाइम लेती है कि एनुअल बाइनियल पेरेनियल जैसे होता है एक साल के अंदर एक सीजन के अंदर होने वाली और एक से ज़्यादा सीजन के अंदर फैलने वाली जो डिजीज़ होती है। तो अब देखो स्लो एपिडेमिक मतलब इसको क्या होगा, लंबा टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है अपने मान लेते हैं कि सिस्टेमिक टाइप की जो डिजीज़ होती है पौधे के आंतरिक भागों में फैलने वाली जो बीमारियां होती है जिसका सेकेंडरी इन्फेक्शन एयर के द्वारा नहीं होता, तो ऐसी बीमारियों को अपन बोल देते हैं स्लो एपिडेमिक। स्लो एपिडेमिक में देखो अकर्स इन मोनोसाइक्लिक डिजीज। अब मोनोसाइक्लिक डिजीज मतलब एक सीजन या फिर एक साल के अंदर एक ही डिजीज साइकिल पूरा करता हो, ऐसी बीमारी जो कि एक वर्ष के अंदर एक लाइफ साइकिल पूरा करती हो, एक लाइफ साइकिल या एक लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक पैथोजन का या कोई भी बीमारी का एक वर्ष में एक लाइफ साइकिल पूरा होता है तो उसको बोल देते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज। ठीक है, ऑन पेरेनियल प्लांट्स जैसे मान लो फ्रूट क्रॉप्स जो होती है वो क्या होती है पेरेनियल, मतलब बहुत सारे सीजन्स लगते हैं उसको ग्रोथ में उसके प्रोडक्शन में। ठीक है, तो पेरेनियल क्रॉप के अंदर होगी और
एक साल में बीमारी ऐसी होगी कि एक साल के अंदर एक लाइफ साइकिल पूरा करेगी, तो वो बहुत धीरे फैलेगी। क्यों? उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए वो एपिडेमिक होती है। जैसे सिट्रस ट्रिस्टेजा, सिट्रस CTV वायरस होता है, CTV सिट्रस ट्रिस्टेजा वायरस, ये वायरल डिजीज़ है, सिस्टेमिक टाइप का होता है और इसको फैलने में थोड़ा टाइम लगता है और एक सीजन के अंदर जैसे एक लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो ये स्लो एपिडेमिक हो गई। डचेलम डिजीज़, ये भी एक सिस्टेमिक टाइप की होगी, ठीक है। ओफियोस्टोमा अल्मी, ये पैथोजन होता है इसका, अपने ज़्यादा याद नहीं करना इसको, बस इसका एग्जांपल याद कर लेना है, ठीक है। अब इसमें डचेलम डिजीज आ गया, स्लो एपिडेमिक हो गई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं फर्स्ट एपिडेमिक। फर्स्ट एपिडेमिक मतलब ऐसी बीमारी जो कि एक सीजन के अंदर बहुत सारी लाइफ साइकिल जो कंप्लीट कर लेती हो, ऐसा पैथोजन, ऐसा रोग कारक, ऐसी डिजीज जो एक ही सीजन एनुअल क्रॉप के अंदर बहुत सारे लाइफ साइकिल कंप्लीट, मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट मल्टीप्लाई होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होती है, तीव्र फैलने वाला जो होता है वो फर्स्ट एपिडेमिक हो जाती है, एक्सप्लोजिव बोलते हैं उसको। इन पॉलीसाइक्लिक डिजीज, पॉलीसाइक्लिक डिजीज मतलब ऐसी बीमारी जो कि एक वर्ष यानी कि एक सीजन के अंदर बहुत सारी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, उस टाइप को क्या बोल देते हैं अपन, पॉलीसाइक्लिक। होता किसमें है? एनुअल क्रॉप में। एनुअल क्रॉप जैसे वीट है, वीट के ऊपर जैसे मान लो कोई भी डिजीज लगा, जैसे वीट के अंदर रस्ट लग गया, ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल ले लेते हैं अपन राइस ब्लास्ट, जो ब्लास्ट डिजीज है, ब्लास्ट डिजीज के अंदर देखो ऐसे तो है नहीं कि एक प्लांट पे इन्फेक्शन हो गया तो वो पेरेनियल प्लांट हो गया और उसके अंदर धीरे धीरे पैथोजन बढ़ता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर ब्लास्ट होगा तो उसके अंदर राइस देखो एक सीजन का प्लांट होता है, ठीक है, एक सीजन में वो कंप्लीट हो जाता है, 6 महीने में फसल बन जाती है उसकी, और उसी टाइम में ही उसमें क्या होगा, ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट का कई बार इतना लेवल हो जाता है, या फिर ब्लास्ट क्या करेगी, अब ब्लास्ट को क्या करते हैं, कुछ कंट्रोल कंडीशन में रहती है, उसको ट्रीटमेंट देते रहते हैं तो वो कंट्रोल रहती है, तो ब्लास्ट डिजीज अगर मानो उसको कंट्रोल नहीं दे रहे और असावधानियाँ बरतते रहते हैं अपन, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि राइस ब्लास्ट जो आज इतनी नुकसानदायक नहीं है क्योंकि उसका प्रॉपर मैनेजमेंट हो रहा है, अगर वो उसका क्या होगा कि उसका लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आसपास के क्षेत्र में या फिर जो भी क्षेत्र अपना जो है उसके अंदर बड़े स्तर पर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा और पूरे के पूरे धान के खेत ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो अपना आप में किसका रूप ले लेगी, एपिडेमिक का, ठीक है। एक पोटैटो ब्लाइट, जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हुआ था आयरलैंड का काल, आयरिश फेमाइन बोलते हैं उसको, तो वो भी एक क्या था, एपिडेमिक। ये क्या करती है, एनुअल क्रॉप पे एक सीजन में पूर्ण होने वाली क्रॉप होती है, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन, मल्टीप्लीकेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतना फास्ट होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह के हवा के साथ में, पानी के साथ में बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, फर्स्ट एपिडेमिक। ये दो इसका सिंपल इंटरेस्ट डिजीज और कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज एक टर्म होती है। सिंपल इंटरेस्ट डिजीज का मतलब ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जैसे साधारण ब्याज लगता है पैसों का, उसी टाइप से जो डिजीज होती है वो तो हो जाती है स्लो एपिडेमिक। जैसे 100 रुपये का 1 रुपया ब्याज बन रहा है, तो वो 1 रुपया 100 रुपये पर होगा, अगला ब्याज भी होगा वो 100 पे बनेगा, ना कि 101 पे। लेकिन इसमें क्या होगा, फर्स्ट एपिडेमिक में जैसे 100 रुपये का 1 रुपया बन रहा है, अगली बार ब्याज लगेगा वो 101 का, अगली बार फिर ब्याज लगेगा तो 102 पे लगेगा। तो मतलब क्या हुआ, जैसे चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे चक्रवर्ती ब्याज बढ़ता है उसी प्रकार से ये डिजीज़ बढ़ती है, जैसे साधारण ब्याज बढ़ता है उस प्रकार से स्लो एपिडेमिक बढ़ती है। तो एपिडेमिक दो टाइप की होती है, स्लो या फिर सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, स्लो एपिडेमिक या फिर सिंपल इंटरेस्ट डिजीज, या फिर जो सेकंड जो है वो है फर्स्ट एपिडेमिक या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज, ये इसका एक एग्जांपल होता है। तो एपिडेमिक की अपने समझने वाली सीधी सी बात ये हो गई, ये एपिडेमिक दो टाइप की हो सकती है, एक तो धीरे फैलने वाली होती है और एक तेज। ये तो हो गया एपिडेमिक के बारे में। अब अपन इस पर बात करते हैं नेक्स्ट, एपिडेमिक एंड एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी का मतलब क्या होता है, एपिडेमोलॉजी का मतलब मैंने जैसे बताया कि पैथोलॉजी के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें क्या हुआ था कि एक बार जैसे एपिडेमिक कुछ बीमारियां ऐसी हुई थी जो कि जिसको सीधे सीधे तौर पे देखें अपन बात करें तो मतलब लोगों की आंखें खोल दी थी उन्होंने, ऐसी बीमारियां हुई थी, तो वो बीमारियां क्या थी, एपिडेमिक थी। जैसे आयरलैंड का अकाल हुआ था, बंगाल का अकाल हुआ था, उसमें क्या था कि इतना नुकसान हुआ था फसलों का कि लोग माइग्रेट होने लग गए थे, लोगों में भूखमरी फैल गई थी, तो वो अपने आप में क्या था, एक पूरे क्षेत्र की फसल को ही ख़त्म कर दिया था।
तो वो एपिडेमिक थी, और उसके बाद में ही जो टर्म निकल के आई वो थी एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी में देखो क्या बताता है ये, एपिडेमोलॉजी में अपने सीधा सीधा बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्टडी ऑफ एपिडेमिक, ठीक है, प्लस में स्टडी ऑफ एपिडेमिक, और इसमें क्या करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिजीज डेवलपमेंट, ठीक है, रोग के विकास को प्रभावित करने वाले कारक प्लस में एपिडेमिक, या फिर एपिडेमिक या फिर एपिडेमिक को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एपिडेमियोलॉजी। अब इसमें सिंपल सा टर्म दिया देखो, व्हेन ए पैथोजन स्प्रेड टू एंड अफेक्ट मेनी इंडिविजुअल्स विद इन ए पॉपुलेशन, मेनी इंडिविजुअल्स यानी कि कोई भी प्लांट जैसे क्रॉप मान लो, उस प्लांट जो उसकी जो क्रॉप की जो पॉपुलेशन होती है उसको प्रभावित करने वाला जो पैथोजन होता है या फिर उसमें फैलता है, ठीक है, रिलेटिवली लार्ज एरिया, ठीक है, वेन ए पैथोजन इंडिविजुअल्स विद इन, बहुत बड़े क्षेत्र की जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो पैथोजन फैलता है वो देखो कैसे, रिलेटिवली लार्ज एरिया बहुत बड़े क्षेत्र में विद इन ए रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में बहुत बड़ी पॉपुलेशन के अंदर जब कोई पैथोजन फैलता है तो उस फेनोमेना को अपन क्या बोल देते हैं, एपिडेमिक। एपिडेमिक जैसे मैंने बताया था कि एक कोई क्षेत्र विशेष के अंदर जब कोई डिजीज बहुत ही नुकसान के साथ में और बड़े क्षेत्र पे फैल जाती है तो उसको अपन एपिडेमिक बोल देते हैं। इसने दूसरा टर्म यूज किया, मैंने सिंपल करके बता दिया इसको, ठीक है। एन एपिडेमिक हैज बीन डिफाइंड एज एनी इंक्रीज ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन, मतलब कोई भी जो क्रॉप की जो पॉपुलेशन होती है उसके अंदर कोई भी डिजीज को इंक्रीज होना क्या कहला जाता है, ये एपिडेमिक, ठीक है। अब इसके अंदर देखो अपन बात करते हैं, स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग देम इज कॉल्ड एपिडेमोलॉजी, ये इसकी टर्म होगी। एपिडेमिक का अध्ययन करना और उसको प्रभावित करने वाले कारक और एपिडेमिक का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एपिडेमोलॉजी। अब इसमें देखो, एपिडेमोलॉजी इज ए कंसर्न साइमल्टेनियसली विद पॉपुलेशन ऑफ पैथोजेंस एंड होस्ट प्लांट एज दे अकर्स इन एन इवॉल्विंग एनवायरमेंट, दैट इज द क्लासिक डिजीज ट्राइंगल। अब देखो, अब अपन डिजीज ट्राइंगल में पढ़ेंगे, इसमें देखो ये क्या कहना चाहता है कि एपिडेमोलॉजी के अंदर क्या होता है कि कोई डिजीज होती है उसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पैथोजन हो गया, होस्ट प्लांट हो गया और इन्वायरमेंट। अब ये तीन चीज़ें मिलकर क्या करेगी, कोई एपिडेमिक होगी उसको इन्फ्लुएंस करेगी और उसका अध्ययन ही कहलाता है एपिडेमोलॉजी। उसका अध्ययन उन तीनों फैक्टर का, यानी कि एपिडेमिक कोई भी डिजीज और डिजीज को प्रभावित करने वालों कारकों का जो अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है अपने, एपिडेमोलॉजी। अब अपन बात करते हैं डिजीज ट्राइंगल, डिजीज ट्राइंगल की बात करते हैं तो डिजीज ट्राइंगल की मैं बता देता हूँ कि डिजीज ट्राइंगल में क्या होता है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, बहुत सिंपल सा फंक्शन है इसमें। देखो क्या होता है, अपन बात करते हैं, एक तो हो गया होस्ट, एक होता है पैथोजन, एक होता है एनवायरनमेंट। ये तीन फैक्टर जो होते हैं ये क्या करेंगे, डिजीज, ये क्या करेंगे, डिजीज। अब देखो होस्ट को हटा दो डिजीज नहीं होगा, पैथोजन एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, पैथोजन हटा दो होस्ट और एनवायरनमेंट, पैथोजन नहीं होगा तो डिजीज नहीं होगी, एनवायरनमेंट हटा दो सूटेबल कंडीशन अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा तो होस्ट पैथोजन के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पाएगा, इस वजह से डिजीज नहीं हो पाएगी। तो डिजीज होने के लिए एनवायरनमेंट, पैथोजन और होस्ट तीनों का होना अनिवार्य होता है, और ये जो इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हो गए, पैथोजन प्लस एनवायरनमेंट और होस्ट, ये तीनों फैक्टर मिलके एक डिजीज को, डिजीज का कारण बनते हैं, यानी कि एक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं इनका अध्ययन करना प्लस में एक एपिडेमिक का अध्ययन करना, मतलब ये तीनों फैक्टर मिलके अगर एक एपिडेमिक का रूप ले लेती है, एक एपिडेमिक को परिणाम निकलता है, यानी कि कोई डिजीज को अगर प्रभावित किया है होस्ट ने, एनवायरनमेंट ने और पैथोजन ने, और उस बीमारी ने एक एपिडेमिक एक भयावह रूप ले लिया, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक प्लस में उस डिजीज का अध्ययन क्या कहलाएगा, एपिडेमोलॉजी। यही उस पिछले पैराग्राफ में बताया गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आता है, एक पॉइंट आता है, देखो क्वेश्चन
इन वंस माइंड ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ डिजीज, अगर एपिडेमोलॉजी हो जाती है, अगर सॉरी एपिडेमिक्स हो जाती है, अगर कोई बीमारी हो जाती है कोई फील्ड के अंदर, तो अपने दिमाग में क्या चीज़ आती है, देखो क्या क्वेश्चन उठते हैं कि अपन अचानक से देखते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है कि अपन कोई डिसीजन नहीं ले सकते उस चीज़ में। अगर कोई बीमारी अचानक से फैल जाती है, जैसे कोरोना का ही ले लो, तो ऑन द स्पॉट अपन कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन उसके बारे में कुछ एनालिसिस कर सकते हैं अपन, उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे अभी आ रहे हैं अपने दिमाग में, जैसे कोरोना के केस में बात करते हैं, तो उसी टाइप से देखो अब क्वेश्चन क्या आते हैं कि व्हाट विल हैपन ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक, आने वाले सप्ताह में क्या हो सकता है, अगर आज इतना ये ब्यावह हो रहा है, आने वाले टाइम में क्या होगा, या तो बहुत तेज होगा या स्लो हो सकता है, एक कारण। विल ऑल द प्लांट्स डाई लीविंग नथिंग टू हार्वेस्ट, सारे के सारे पौधे ख़त्म हो जाएंगे और काटने को कुछ भी नहीं बचेगा, ये भी है। जैसे कि मान लो कि अगर पूरी पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स में पूरी पॉपुलेशन के अंदर आज वायरस फैल जाए, तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि पूरी संसार यानी कि पूरे लोग ख़त्म हो सकते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो ये भी क्या है, क्रॉप के केस में ये पॉइंट आ जाता है। विल ओनली करंटली इन्फेक्टेड प्लांट विल यील्ड लेस, एक चीज़ ये भी होगी कि जिसमें इन्फेक्शन है वही पौधा कम प्रोडक्शन देगा, यील्ड कम देगा, बाकी पौधे अपने बराबर उसमें यील्ड मिल जाएगा। तो ये पॉइंट भी हो जाता है, ये अपने सोचते हैं उस कंडीशन को देख के, ठीक है। और ऑल द प्लांट्स इन्फेक्टेड एंड ओनली फ्यू शोविंग सिम्टम्स, अब अपन देखते हैं तो उसमें क्या करेंगे, ऐसे सोचेंगे कि किस किस में, जैसे अपन आज बात कर रहे हैं कि ओल्ड के अंदर, जैसे आज बूढ़े आदमी के अंदर कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा है, यंग होता है उसके अंदर कम है, चाइल्ड के अंदर ज़्यादा है। तो अब देखो, आर ऑल द प्लांट्स इन्फेक्टेड एंड ओनली फ्यू शोविंग सिम्टम्स, कुछ एक पौधे ही सिम्टम, यानी कि कुछ में सिम्टम दिखते हैं कुछ में नहीं दिखते। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कि दिमाग में कि सारे पौधे इन्फेक्ट हो रहे हैं या तो कुछ एक में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। इज द पैथोजन एयर वाटर विंड वेक्टर डिस्पेस्ट, क्या कि पैथोजन जो रोग कारक है वो फैल किससे रहा है, जैसे कोरोना की बात करते हैं छूने से फैलता है, तो ये किससे फैलेगा, हवा से फैल रहा है, पानी से फैल रहा है, या फिर कोई दूसरा इसके अंदर एजेंसी काम कर रही है, जैसे वेक्टर की बात कर लेते हैं, इंसेक्ट का काम, इंसेक्ट जो होता है वो हो सकता है। कैन दिस क्रॉप बी प्लांटेड नेक्स्ट सीजन, अगर आज ये कंडीशन है तो अगली बार क्या अपन इसकी फसल लें या नहीं लें, तो ये भी अपने दिमाग में क्वेश्चन उठते हैं। तो अब इन सब क्वेश्चन के अपन सोल्यूशन की बात करें कि इनका क्या अपन सोल्यूशन करेंगे, कि ये सब चीज़ें दिमाग में आती है तो उसके लिए क्या डिसीजन लें ताकि नेक्स्ट सीजन में ऐसी कंडीशन नहीं आए। ये सब चीज़ें क्या होती है, एक एपिडेमिक डेवलप होती है तो उस टाइम में अपने दिमाग में आ जाती है। तो अपन नेक्स्ट की बात करें तो एपिडेमोलॉजी, अब देखो एपिडेमोलॉजी में देखो इस प्रकार से एपिडेमोलॉजी को अपन डिफाइन करें तो क्या होता है, दस एपिडेमोलॉजी कैन बी डिफाइन एज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए पैथोजन इन द पॉपुलेशन ऑफ होस्ट, कि पौधे की एक पॉपुलेशन जो होती है उसके अंदर पैथोजन रोग कारक की कितनी पॉपुलेशन, जैसे मान लो अटैक कर रही है उसके अंदर, तो उसके अंदर जो कितनी पॉपुलेशन है, एंड द रिजल्टिंग डिजीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन फैक्टर्स, जो डिजीज हो रही है उसके अंदर देखो किसका इफेक्ट, किसका रोल रह रहा है, कौन प्रभावित कर रहा है उसको, इन्वायरमेंट और ह्यूमन फैक्टर्स अगर उस चीज़ को प्रभावित कर रहे हैं, तो एपिडेमोलॉजी को क्या हो जाता है कि एक पॉपुलेशन पैथोजन रोगकारक की एक पॉपुलेशन रोगकारक की इतनी जनसंख्या किसके अंदर, सॉरी जनसंख्या नहीं, इतनी संख्या रोगकारक की इतनी संख्या किसके अंदर, फसल के अंदर, जिसको कौन प्रभावित कर रही है, इन्वायरमेंट और ह्यूमन फैक्टर, इन्वायरमेंट और ह्यूमन फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर और मिलके ये जो पॉपुलेशन को प्रभावित कर रही है उस चीज़ को अपन क्या बोल सकते हैं, अपन एपिडेमोलॉजी, ठीक है। अब इसके अंदर अपन एपिडेमोलॉजी जो अपनी सारी जो एपिडेमोलॉजी पढ़ते हैं, तो अपन जो भी क्वेश्चन दिमाग में आए थे, जो इमर्ज हो रहे थे क्वेश्चन, उन सब के आंसर अपन एपिडेमोलॉजी की स्टडी से अपन निकाल सकते हैं। देखो अब इसमें एक एग्जांपल, इसमें द एग्जांपल दे रखा है कि ऐसी कंडीशन पहले भी हो चुकी है कि एपिडेमिक्स या फिर एपिडेमोलॉजी की शुरुआत हुई थी, तो उससे पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिस वजह से एपिडेमोलॉजी का अध्ययन संभव हुआ था। तो एपिडेमिक्स पास्ट में कौन कौन सी हुई थी, देखो आयरलैंड का काल हुआ था पोटाटो के अंदर 1845 के अंदर, ठीक है। फाइटोफ्थोरा उसका रोग कारक था, लेट ब्लाइट डिजीज थी। इसी टाइप से इंडिया के अंदर बंगाल फेमाइन हुआ था
अब देखो बंगाल फेमाइन 1943 में, ठीक है, ये था हेलमिंथोस्पोरियम, बंगाल के अंदर हुआ था ये, और एपिडेमिक ऑफ राइस के अंदर हुआ था, ठीक है। ये कोक्लियोबोलस या फिर हेलमिंथोस्पोरियम में भी इसका दूसरा नाम, जो नया नाम है इसका, बाइपोलरिस भी इसको बोल देते हैं। तो ये अपने एपिडेमिक्स है, ये एपिडेमिक्स के पास्ट में कुछ घटनाएं हुई थी उसका एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, हेलमिंथोस्पोरियम और जो बंगाल के अंदर जो अकाल पड़ा था उसके अंदर भी क्या था, पूरा का पूरा जो राइस का फील्ड था वो पूरा का पूरा जलावा जैसा हो गया था, पूरा का पूरा ख़त्म होने लग गया था, ब्राउन हो गया था। तो उसमें भी क्या था, लोग माइग्रेट होने, उसमें भूखमरी फैल गई थी, बहुत से लोग, मिलियंस पीपल वर डाइड, ठीक है, बहुत सारे लोग मर गए थे उसके अंदर। आयरस फेमाइन था, इसके अंदर भी ऐसी घटना हुई थी। फाइटोप्थोरा, बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी, इसको कैसे एंटोन डी बारी ने कैसे इसको खोजा था, कैसे इसको डिफाइन किया था, उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या क्या धारणाएँ दी थी। तो ये इतना बहुत ज़्यादा इतना डिस्ट्रक्टिव था कि ये इसने क्या किया था, पूरा जो पोटैटो का फील्ड था, एक सीज़न में तो कम इफेक्ट दिखा था, नेक्स्ट सीज़न में इसके लिए फेवरेबल कुछ कंडीशन हुई थी उस टाइम में क्या था, इसका होने का कारण क्या था, आलू वाला देखो पोटैटो डिजीज था, उसमें क्या था, जो आयरलैंड के लोग थे वो क्या करते थे, ज़मीन के अंदर पोटैटो को इसे गाड़ देते थे, स्टोर कर देते थे। तो ज़मीन के अंदर ऐसे पिट बना के उसको बिल्डअप कर देते थे, मतलब उसको ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें पोटैटो भर के छोड़ देते थे। तो उस टाइम में क्या था, इन्फेक्शन था, वो था सोइल और सीड बोन दोनों टाइप से, पोटैटो के अंदर इन्फेक्शन था और सोइल के अंदर पैथोजन सर्वाइव कर जाता था। तो सोइल के अंदर पैथोजन जो फाइटोप्थोरा था उसने क्या किया, जो स्टोर्ड फूड था उसके ऊपर भी अटैक करके पूरे जो प्लांट जो पोटैटो थे उनके पूरे के पूरे उनको क्या कर दिया था, उसमें रोटिंग कर दिया था। तो रोटिंग होने की वजह से जो स्टोर था वो भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट सीजन के लिए जब उन्होंने सोविंग की, तो इन्फेक्टेड पोटैटो की जब सोविंग की, तो उस टाइम में क्या हुआ था, पूरी के पूरे जो फील्ड था जब पोटैटो ग्रो हुआ, तो प्लांट भी उसका पूरा का पूरा क्या था, ब्लाइट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। तो जो खाने को स्टोर किया हुआ था वो भी ख़त्म हो गया, जो खाने को मिलने वाला था वो भी ख़त्म हो गया। तो वहाँ पर भूखमरी फैल गई, लोग माइग्रेट होने लग गए एक जगह से दूसरी जगह पर, आसपास के कुछ पॉलिटिकल इश्यू थे उस वजह से, बाहर की कंट्रियों ने कुछ हेल्प भी नहीं की, तो इस वजह से वहाँ पे क्या था, एक अकाल महामारी फैल गई थी। तो ये कुछ पास्ट की घटनाएं थी। एंटोन डी बेरी ने फाइटोप्थोरा को फर्स्ट टाइम में उसने रिकॉर्ड किया था, यानी कि उसने आइडेंटिफाई किया था, उसको फाइटोप्थोरा नाम दिया और उसको बताया कि ये कुछ फंगस होती है, उस वजह से ये इतना इन्फेक्शन या फिर इतना नुकसान हुआ था। तो उसके बाद में कुछ एपिडेमियोलॉजी के नए नए ऐसे इश्यू निकल के आए, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे डिटेल में आगे जो आएगा उसके बारे में एग्जांपल। तो मेजर ये दो थे, बंगाल का अकाल था और एक आयरलैंड का अकाल था। अब अपन बात कर रहे थे डिजीज टेट्राहेड्रॉन या फिर या जो ट्राइंगल की बात करते, तो डिजीज टेट्राहेड्रॉन देखो, ट्राइंगल पढ़ा वैसे ही क्या होता है टेट्राहेड्रॉन। ट्राइंगल में मैंने बताया कि तीन पॉइंट होते हैं उसके अंदर, होस्ट था, पैथोजन था और एनवायरनमेंट था। ये तीन चीज़ क्या है, ये तीन चीज़ मान लो कि एक एपिडेमिक या एक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कारक होते हैं। कोई भी रोग को प्रभावित करने वाले कारक की अपन बात करें या फिर एक एपिडेमिक को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें, अगर अपने को एग्जाम में पूछ ले कि कोई भी एपिडेमिक या रोग को उत्पन्न करने वाले कारक जो होते हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और उनके बारे में लिखिए। तो पहला पॉइंट अपन क्या लिखेंगे कि पहला प्रभावित करने वाला कारक क्या हो गया, होस्ट। दूसरा क्या लिखेंगे, पैथोजन। तीसरा क्या लिखेंगे, एनवायरनमेंट। ये तो हो गया सिंपल सा मेथड। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर दो कारक अगर मैं और जोड़ दूं, ठीक है, एनवायरनमेंट के अलावा मैंने इसके अंदर और जोड़ दिया, एक जोड़ दिया मैंने टाइम और एक जोड़ दिया मैंने ह्यूमन। अब देखो अपने इस सब के लिए उत्तरदायी होते हैं, ह्यूमन बींग्स होती है, वो क्या करती है, एपिडेमिक को बढ़ावा देती है, ठीक है, उसका कारण भी बन सकता है, ठीक है। तो ये जो पांच, सब देखो पांच फैक्टर मिल गए, तो पांच फैक्टर मिलके क्या बना दिया, टेट्राहेड्रॉन, पिरामिड जैसी संरचना बना दी इसने, टेट्राहेड्रॉन बन गया। अब इसमें देखो ह्यूमंस हो गया, होस्ट हो गया, पैथोजन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया और टाइम, ये सब क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब आपस में क्या होता है, इनका संबंध होता है। ये सारे के सारे फैक्टर मिलके एक एपिडेमिक को प्रभावित करते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर मिलके एक एपिडेमिक को प्रभावित करते हैं या फिर उसका कारण बनते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, टेट्राहेड्रॉन, मतलब इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन, टाइम, एनवायरनमेंट, होस्ट एंड पैथोजन, ठीक है, दोनों ये सारे फैक्टर आपस में एक दूसरे को जो प्रभावित करते हैं और इनको एक आरेख में
प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, डिजीज टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, अब इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ होती है। होस्ट की बात करते हैं तो अपन होस्ट क्या होता है, ससेप्टिबल होस्ट। ससेप्टिबल होस्ट मतलब अगर मैं यहाँ पे ससेप्टिबल की जगह अगर मैं यहाँ पे लिख देता रजिस्टेंस होस्ट, रजिस्टेंट होस्ट, तो ये पॉसिबल हो पाता क्या? नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब प्लांट ससेप्टिबल होना आवश्यक है, रजिस्टेंट हो गया, तो रजिस्टेंट के अंदर पहले से ऐसा जीन है जो कि अटैक होने ही नहीं देगा, उसके अंदर इम्यून सिस्टम डेवलप है उसके अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मतलब वो अपने आप को क्या कहेंगे, अपन उसको बोल देंगे कि होस्ट अपने पास है ही नहीं। जो रजिस्टेंट हो गया तो वो क्या बताएगा, एक होस्ट की एब्सेंस को बता देगा। ठीक है, अब अपन इसकी बात करते हैं। अब इसके नेक्स्ट जो पॉइंट होता है होस्ट के बाद अपन करते हैं पैथोजन। पैथोजन का क्या होना चाहिए, वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब पैथोजन होना चाहिए वायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब हो गया कि रोग उत्पन्न करने में सक्षम होना चाहिए, थोड़ा उसके अंदर कुछ पोटेंशियल होना चाहिए ताकि वो रोग उत्पन्न कर सके। एक तो वायरुलेंट होता है, एक होता है एवायरुलेंट। एवायरुलेंट का मतलब जो रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता उसको अपन एवायरुलेंट बोल देते हैं। सीधा सीधा डिफाइन कर रहा हूँ इसको, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना वायरुलेंस और एवायरुलेंस के बारे में। वायरुलेंट ऐसे दिमाग में रखना है कि जो रोग उत्पन्न कर सके, और एवायरुलेंट जो इसके अंदर रोग उत्पन्न नहीं कर सके। बस जो वायरुलेंट रोग उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो वायरुलेंट पैथोजन हो गया। एवायरुलेंट यहाँ पे रखते हैं तो वो कंडीशन इसके टेट्राहेड्रॉन में अपन अप्लाई नहीं कर सकते। फेवरेबल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए। जैसे अपन प्री डिस्पोजिशन, अपन लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि प्री डिस्पोजिशन मैंने बताया, जैसे टेम्परेचर की बात कर लेते हैं और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर लेते हैं कि इतना मॉइस्चर चाहिए इसको, इतना इसके अंदर टेम्परेचर चाहिए, तभी कोई पैथोजन उस पर ग्रोथ करेगा और उसके अंदर इन्फेक्शन करेगा। तो फेवरेबल इन्वायरमेंट इसके अंदर काम करता है। अब देखो ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट ओवर टाइम, सारे जितने भी इसके कारक होते हैं उस पर किसका प्रभाव पड़ता है, टाइम, समय का। बोलते हैं ना कि समय बड़ा बलवान है, तो ये बस इस जगह काम करता है कि समय बलवान है, कि यह समय का फर्क प्रभाव पड़ता है किस पे, ह्यूमन बींग्स पे भी पड़ेगा, इन्वायरमेंट पे भी पड़ेगा, पैथोजन और होस्ट पे भी, कि कितना ड्यूरेशन, अवधि, कितनी अवधि तक इन्वायरमेंट फेवरेबल था, कितनी अवधि तक पैथोजन उसके कॉन्टैक्ट में रहा, कितनी अवधि तक होस्ट जो था ससेप्ट कंडीशन के अंदर रहा, उसको कितना प्रभावित किया, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती है, टाइम के अंदर। ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट देखो उसकी भी कितनी, इन्वायरमेंट जैसे मैंने बताया कि टाइम, देखो इन्वायरमेंट उसका इन्वायरमेंट कितनी ड्यूरेशन, कितनी अवधि तक फेवरेबल रहा, तो ये सारा टाइम का खेल होता है। ये तीन इसके मेन फैक्टर जो हो गए, वो होस्ट का ह्यूमन होस्ट का ससेप्टिबल होस्ट, वायरुलेंट पैथोजन और इन्वायरमेंट। लेकिन टाइम जो होता है वो इन्वायरमेंट को भी प्रभावित करेगा, टाइम जो होगा वो होस्ट को भी प्रभावित करेगा और पैथोजन को भी। ठीक है, ड्यूरेशन फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट ओवर टाइम, टाइम समय की अवधि के आधार पर उस पर टाइम और उसकी फ्रिक्वेंसी, जो टाइम की जो फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन अवधि होगी वो कितना प्रभावित करती है बाकी के जो एलिमेंट्स होते हैं उस पर। ठीक है, तो ये टाइम का रोल रहता है। टाइम का अपन डिटेल में और पढ़ेंगे, जो कोई डिजीज की एपिडेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फोरकास्टिंग का भी चैप्टर आता है उसमें पढ़ेंगे, तो टाइम और अच्छे से समझेंगे। टाइम सोविंग टाइम का भी रोल रहता है इसके अंदर, कोई क्रॉप को कब बोएंगे तो उस टाइम, या फिर उसकी सोइंग कंटिन्यू कब तक कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी टाइम पर आती है। ठीक है, अब इसके अंदर है एलिमेंट्स ऑफ एन एपिडेमिक। अब देखो इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या चीज़ होती है, देखो मैंने बता दिया एलिमेंट अपन वही पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे अपन होस्ट, दूसरा पढ़ेंगे अपन पैथोजन, तीसरा अपन पढ़ेंगे एनवायरनमेंट। मेनली तो यही होते हैं, ह्यूमन बींग्स का थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, टाइम का बता ही दिया, टाइम का तो रोल सीधा सीधा हो गया, सब पे ही पड़ता है टाइम का, तो टाइम के आधार पे इसके अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो सीधा सा फैक्टर हो गया। तो मेन जो फैक्टर हो गया अपन पढ़ेंगे होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट, तो ये इसका एलिमेंट है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको थोड़ा पढ़ना, इस क्लास को गौर से समझना और थोड़ा दिमाग में रखना पॉइंट को, उसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो ईजी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।